Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any video from Sheraton Vynz official. Thank you so much. Hello friends, welcome back to my channel. Now hope you are so guys, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज आप लोग देखने जा रहे हैं मेरा second story time is all. First story time ये रहा और आप इसको जाके देखिए, लिंक description में है my mumma my mumma eye का जो मैंने बनाया है, ठीक है, उसको जाके देखिए. और आज है मेरा story time second हो रहा है, तो let's begin. और ये story time का topic है my hatest friend forever. तो चलिए start करते हैं. रहमाने रहीम. तो गाइस, दोस्त हमारी लाइफ में बहुत किस्म के होते हैं. एक होते हैं फेक और एक होते हैं ट्रू, जो हमारा हर साथी हर पल पे साथ देते हैं. तो आज मेरा टॉपिक है द हेटेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ऑफ माय. और दूसरा टॉपिक मैं आज दोनों आपको सुनाऊंगा. आप लोगों को लग रहा होगा मेरी आवाज़ ख़राब आ रही है क्योंकि मुझे नज़ला हो रहा है, ये विंटर ज़्यादा शुरू हो गई है इस वजह से थोड़ा नज़ला हो रहा है. और मैं आपको और सुनाऊंगा कि माय बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर जो है और एक हेटेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. सो तो दोस्त हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो दोस्त अगर नहीं होता हमारी ज़िंदगी अधूरी है. इसी तरह के दोस्त कुछ दोस्त होते हैं जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं और कुछ दोस्त हमारे जीवन के साथी होते हैं. तो क्या कहते हैं, सबसे मेरा अच्छा जो दोस्त है, सबसे बेस्ट फ्रेंड वो मेरा है सब, जो हर वीडियो में आया होगा मेरी शेडन वाइज. पुराने चैनल पे भी आया था और इस चैनल पे भी आया था. और मैंने आप लोगों को पता नहीं किस वीडियो में बताया होगा या फिर नहीं बताया होगा कि सभी इस चैनल पे आग नहीं भूल रहे हैं. कुछ लोगों के मेरे पर्सनल डिस्कशन पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके सभी जो हैं सभी दोस्त वो आग भूल रहे हैं. तो बॉयज मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि सभी जो है उन्होंने शर्मा ऑफिशियल को लीव कर दिया है. उनका बिल्कुल इरादा नहीं था लीव करने का. और बताओ उन्होंने क्यों लीव किया. उन्होंने इस वजह से लीव किया क्योंकि हम रहते हैं शेरिटन स्क्वायर और क्या कहते हैं उनने शेरिटन स्क्वायर छोड़ दिया है. तो ये था सभी का रीज़न जो सभी ने हमारा शर्मा ऑफिशियल लीव कर दिया है. अब सेकेंड बात, द हेटेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. हमारी लाइफ में कई तरह के फ्रेंड्स होते हैं. तो इसी तरह का फ्रेंड एक मिसाल हेटेस्ट फ्रेंड और हेटेस्ट फ्रेंड ये है, जैसे एक कोई दोस्त गिरगिट की तरह रंग बदले. ऐसी मेरी लाइफ में एक दोस्त है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ठीक है. उसका नाम है अहमद. आप लोगों ने उसका जी जी बिल्कुल सही सुना, आप लोगों ने उसका नाम है अहमद. आप लोगों ने बहुत वीडियोस में उसको देखा होगा, दोस्त में देखा होगा, तरह तरह की वीडियो में. पुराने चैनल पर भी वो आया था. वो मेरा बेस्ट फ्रेंड पहले था, बेस्ट फ्रेंड था क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता था पहले. और अब वो ख़राब क्यों हुआ है, इस वजह से आज मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ. क्योंकि जब मेरे पास पहले थी साइकिल, आप लोगों ने मेरे पुराने चैनल पे देखा होगा कि मेरे पास टाइप फ्रॉम स्नैचर वाली वीडियो में मेरे पास ऑरेंज कलर की साइकिल थी, ठीक है. और वो मेरे पास थी, मैं उसको चलाता था रोज. वो साहब मेरे पीछे पीछे भागते थे उस साइकिल के लिए कि अब्दुल अहद प्लीज़ साइकिल दे दें, अब्दुल अहद प्लीज़ साइकिल दे दो. क्योंकि उनके पास ना क्या कहते हैं साइकिल नहीं थी. और मैं ना उनको इतनी बार साइकिल देता था और उन्होंने बहुत बार मेरी साइकिल ख़राब की है, तोड़ तोड़ दी थी मेरी साइकिल. ये निकाल उनका सर का एक्सीडेंट हो गया था मेरी साइकिल से. इतना तेज़ रफ्तार से चलाते थे कि मैंने उनको साइकिल देना बंद कर दिया था. फिर दोबारा लोगों उन्होंने मेरी साइकिल लेना स्टार्ट की, मैंने उनको दी साइकिल. उसके बाद मैंने अपनी साइकिल बेच दी, ठीक है. फिर ये हुआ मैंने बेच दी तो कई एक साल हो गया मेरी साइकिल को बिके हुए. और तकरीबन एक साल हो गया, अप्रॉक्सीमेटली हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, एक साल हो गया, ठीक है. और अब आई है, आप लोग जानते होंगे एक मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताना, बट वो एक मेरा दोस्त है. उसके पास आई है एक गियर वाली माउंटेनियस वाली साइकिल, बाइक किस्म की है. उसके बाद माउंटेनियस बाइक है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया. और जब उसके बाद माउंटेनियस बाइक आई, ठीक है, तो मेरे पास ना इसमें ही कुछ चल रहा है. तो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास क्या कहते हैं, मेरी साइकिल तब तक बिक चुकी थी, एक या एक महीना हो गया. उसके बाद माउंटेनियस बाइक आ गई है. अहमद के पास नहीं, मेरे दोस्त के पास, वो मेरा क्लास फेलो है, ठीक है. मैं ओ लेवल्स में गया तो वो पहले मेरा 5th class तक क्या कहते हैं वो मेरा फ्रेंड रहा. अब वो 6th सेकेंडरी में चला गया और मैं 6th ओ लेवल्स में हूँ. तो क्या कहते हैं वो बात खैर बात खैर, ठीक है. उसने पहले मुझे साइकिल दे रहा था, ठीक है, क्योंकि वो भी रंग बदलना शुरू हो गया. अहमद साहब ऐसे हैं, जब उसके पास साइकिल आई तो सबसे पहले जब मेरे पास होती थी ना साइकिल, तो वो फ़ौरन मेरे पास आता था कि अब्दुल अहद मुझे साइकिल दे दो. ना ही अब मुझे वो सलाम करता है, ना ही कुछ करता है. उसने गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो सीधा जो है उसके पास जाता है.
और मुझे इतना अफसोस होता है कि ये मुझे छोड़ के उसके पास चला गया ना इस रंग, तो मैं अफसोस इस बात पे होता है कि ऐसे भी इस ज़माने में दोस्त होते हैं, और सभी इस कस्म का दोस्त है कि कभी उसने मेरे साथ दोस्ती बेवफाई नहीं की। इसने इतनी बार मेरे साथ बेवफाई की है, मैं जब गिरा था एक बार ये भाग गया था, ठीक है, हमारे साथ भंड हुआ करते थे बचपन में, वो भंड में ये भाग जाता था, सभी मेरा साथी होता था, और सभी के लिए मैं सल्यूट देता हूँ, सभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शज्जी भी बहुत बुरे हैं, बुरे नहीं है शज्जी, हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके भी रवैये में थोड़ी तब्दीली आ रही है, और शज्जी भी आपको पहले अच्छी वीडियोज़ में आते दिखे आएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं उनके रवैये में थोड़ी तब्दीली आ रही है, वो थोड़े गुरूर वाले इंसान बनते जा रहे हैं। अहमद साहब और शज्जी साहब, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप मेरे दोस्त नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जैसे दोस्त दुनिया में अल्लाह करे किसी को भी ना मिले, आमीन सुम्मा आमीन, और अहमद जैसा दोस्त किसी को ना मिले, थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या फिर स्टोरी टाइम पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये मैं समझेगा कि मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं बस ये बताने के लिए आपको बताया था। तो अगर आप लोगों को स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो स्टोरी टाइम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को नीचे तो मिलता हूँ आपका अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सबसे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक या सब्सक्राइब ना करें बट शेयर, थैंक यू सो मच।